सागर नगर निगम अंतर्गत चल रही अवैध कॉलोनाइजर और बिना पार्किंग एनओसी के मकरोनिया में संचालित हो रहे शॉपिंग मॉलों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर शिवसेना ने सागर कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपा। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साई वाटिका के पास भोपाल रोड सागर। शिवसेना उपराज्य प्रमुख पप्पू तिवारी ने कहा कि सागर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले तीली, बागराज, कनेरा, भोपाल रोड सहित अन्य जगहों पर अवैध कॉलोनियों का धंधा मनमर्जी तरीके से चल रहा है, जबकि ना तो उनके पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एनओसी है, न ही जिला प्रशासन और रेरा के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी नगर निगम कमिश्नर कार्रवाई न करने के बहाने ढूंढते नजर आ रही हैं, जबकि मकरोनिया नगर पालिका सीएमओ ईशांत धाकड़ द्वारा निरंतर अवैध कॉलोनी आयोजनों पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं नगर निगम कमिश्नर की सुस्त कार्यप्रणाली की वजह से नगर निगम में अवैध कॉलोनाइजरों के मनोबल बढ़ रहे हैं और निरंतर अवैध कॉलोनियां बढ़ती जा रही है। शिवसेना जिला प्रमुख दीपक सिंह लोधी ने कहा कि मकरोनिया में बिना पार्किंग अग्निशामक यंत्र एनओसी के शॉपिंग मॉल संचालित किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मकरोनिया में चक्का जाम जैसे हालात हो जाते हैं। तो वहीं अग्निशामक यंत्र भी न होने की वजह से कोई बड़ी अनहोनी घटना होने की आशंका बनी रहती है। शिवसेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि शीघ्र ही अवैध कॉलोनाइजर और बिना एनओसी संचालक मॉलों पर कार्रवाई की जाए। ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।